हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सुबह का टाइम है और सुबह का भी कितना टाइम हो रहा है नहीं पता। और घर का ऑलमोस्ट सभी काम हो गया है। सो आज दोपहर में देखती हूँ क्या बनाऊंगी लंच में। क्वेश्चन मार्क हो गया क्योंकि कल ना रात को मैंने बिरयानी बनाया था, एक बिरयानी। तो वो बच गया है, देखती हूँ अगर वो अच्छा रहता तो वो दोपहर में खा लूंगी। देन कोई एक्स्ट्रा कुछ और सब्जी बनाऊंगी कि नहीं आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि अभी कोई डिसाइड किया हुआ है नहीं। सो अभी मैं हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पता नहीं, सब कोई बोलता है ये आदिवासी ऑयल बहुत अच्छा होता है, ये वाला सब बोलते हैं। अभी मैं तो बहुत दिन से ये लगा रही हूँ, मेरा हेयर फॉल का जो इशू है ना वो अभी तक जैसे के जैसा था वैसा ही है। तो जैसा हेयर फॉल था ना पहले वैसा ही है, तो अभी तक वो बंद नहीं हुआ है। लेकिन बोलते हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल बहुत अच्छा होता है, ये देखिए कितना सारा हेयर खींचते ही निकल आया। अभी ये जब फर्स्ट टाइम मिला ना तभी मैंने इस ऑयल को मैंने परचेस किया था। ये देखिए कितना सारा बाल खींचते ही इससे भी ज्यादा ज्यादा निकलता है। तो लगा रही हूँ, देखती हूँ कब तक इसका फायदा होता है। लेकिन मेरे मम्मी का हेयर में लगाया था ना, मम्मी का हेयर ग्रो किया है लेकिन मेरा नहीं कर रहा है। पता नहीं मेरा क्यों ऐसा होता है। और ऑयल लगाने के बाद ना पूरा गर्मी ज्यादा लगता है, और इन दिनों ना आसाम में बहुत गर्मी पड़ा है, बहुत। मुझे ये ऑयल लगाने से ना हेयर ग्रोथ हुआ ना हेयर फॉल बंद हुआ। मेरे को क्यों नहीं काम पे आ रहा है ये पता नहीं। नेचुरली हेयर ऑयल किया तो फेस थोड़ा सा काला काला दिखेगा और फेस थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। तो पूरा घर को फिर से मैं झाड़ू मार देती हूँ। सुमित जाने के बाद भी मैंने झाड़ू मारा था, फिर भी मैं और एक बार मार देती हूँ, ठीक है। देखिए, कल का बचा हुआ बिरयानी रख दिया है और आज मैंने दोपहर में बनाया है पोटल बाटा फिर से, क्योंकि बहुत अच्छा लगा था उस दिन इसलिए। और आलू पोस्तो, और ये कॉर्न को मैंने भिगाया है ताकि कुछ इसका पता चले इसको किस तरह से बनाना है, तो इसलिए भिगो के रखा है। वैसे एकदम अच्छा नहीं है, कौन सा कौन है पता नहीं, बाद में देखेंगे। तो चलिए, मैं अभी लंच करने के लिए आ गई हूँ, तो लंच का थाली वगैरह निकाल लेते हैं। इस तरह मैंने बनाया है राइस, सो लंच कर लेते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गाइस, सुबह मिली थी, अभी इवनिंग हो गया, नहा के निकली हूँ बाहर, कपड़ा वगैरह दे देती हूँ। हाँ, नहाने के टाइम ना ये दरवाजा बंद कर देती हूँ क्योंकि कोई आके घुस जाएगा, तो इसलिए। पूरा अंधेरा हो गया है, ये सुबह मैंने दे दिया था धोकर, अभी भी सूखा नहीं है। इसको डाल देती हूँ इस तरफ। इन दिनों इतना गर्मी पड़ा है ना, भयानक सा, क्या ही बताऊँ आपको। सो कंफर्ट में भिगो के रख दिया था। सुबह सुबह से बहुत बिजी थी और इतना गर्मी भयानक वाला, गाइस क्या बताऊँ। मैं पूरे दिन भर तड़पते रही और बहुत जल्दी गुड न्यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मतलब मेरा ब्लॉग में ना कुछ दिन बाद ही आप सबके साथ मैं गुड न्यूज शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है क्या नहीं, लेकिन नया नया सब कुछ चीजें मेरा ब्लॉग में दिखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सेम सा चीजें डेली रूटीन दिखाती हूँ। तो मेरा ट्रैवलिंग लाइफ है और ट्रैवलिंग के साथ ही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज इधर हूँ, कल क्या पता किसी और जगह पर होंगी। तो मेरा लाइफ कुछ इस तरह से है और मैं मेरे लाइफ को बहुत इंजॉय करती हूँ और आप सबके साथ शेयर करके और ज्यादा इंजॉय में करती हूँ।
सो सुमित का ऑफिस का कपड़ा ना सुबह भिगो के रख दिया था, टाइम नहीं मिला था ना, तो बस ये अभी मैंने धोया और हेयर ऑयलिंग किया था ना सुबह, तो सुबह से अच्छे से मैं शावर नहीं ले पाई। सो चलिए मेरा कपड़ा देना हो गया, अंदर चलते हैं। आप जो लगता है हम लोग जोरहाट का सब्जी मंडी आए हैं। देखिए कितना भीड़ है, अभी रात के बज रहे 8:19, बहुत भीड़ है, कितना भीड़ देखिए मार्केट में। ओए जी सोसा आगे छिलो बाबू, ओए जा आगे आगे, ओए जा आगे, तुम भी जा। सो गाइस हम लोग जोरहाट मार्केट में गए थे, अचानक से प्लानिंग हुआ तो अचानक से निकल पड़े सब्जी लेने के लिए। तो गाइस घर आ चुकी हूँ। हाँ बाजार गई थी जैसे कि आपने देखा ही होगा, सो इसको रख के आती हूँ और ये नया हेलमेट लिया है, रीजन बताती हूँ बाद में, इसको रख के आती हूँ सब्जी। एक्चुअली गाइस क्या है, गई थी नहा के उठी, उठ के बैठी, घर का पोछा किया पूरा, पोछा वगैरह मार के शाम का दिया बाती करके नहा धोकर मतलब फ्रेश होकर बैठी थी। फिर सुमित ने बोला क्या कर रहे हो, मैंने बोला थोड़ा सा काम कर रही हूँ, कुछ यूट्यूब का कुछ वीडियो है वो एडिटिंग नहीं हुआ है तो वो एडिटिंग करने के लिए बैठी हूँ। तो उसने बोला ठीक है चलो अगर फ्री हो तो चलोगे बाजार, तो मुझे सब्जी भी लाना था इसलिए मैं फटाफट फटाफट रेडी हुई, जो हाथों के सामने कपड़ा मिला वही फटाफट रेडी होकर पहनी फिर गई। सो सुमित ने मुझे दिलाया है नया हेलमेट, रीजन है स्कूटी की वजह से, तो दोनों जन का सिर में अगर हेलमेट नहीं रहता है दोनों पर्सन के सर में तो 10,000 का भाउचर लगाते हैं, तो ये हेलमेट 550 का पड़ा है, बहुत सस्ता है इधर। तो ये कलर का मैंने लिया है, मुझे बहुत पसंद आया ग्रे कलर का, सो एक इस कलर का हेलमेट लिया, अच्छा लग रहा था, 550 का पड़ा है। और स्कूटी में हम लोग के सेफ्टी भी बहुत मायने रखता है ना, तो इसलिए। सो चलिए मैं चेंज करके फिर बात करती हूँ आपसे। सो गाइज आज का दिन मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे दोनों ही एकदम भाग दौड़ वाला रहा मेरा आज का दिन। और कपड़ा चेंज करना फिर से पहनना मतलब और ज्यादा पसीना आ रहा है। बताना जरूर मेरा ये हेलमेट कैसा रहा, प्लीज कमेंट करके बताना, कलर अच्छा है कि नहीं, ग्रे कलर का, कैमरे में भी ग्रे ही दिख रहा है। सो नया लिया है, आई होप अच्छा लगेगा, तो ये फीमेल का है। सो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं दी एंड करती हूँ, और सुमित ने बीच में कॉल किया था उसके पास मेरा वाईफाई रहेगा, सो वो तो आएंगे रात के 11:30 के करीब। अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं खाना बनाऊंगी, डिनर बनाऊंगी, सुबह तो बनाया था पोस्तो परवल आलू का बाटा और बिरयानी था सुमित का, हो गया तो पोस्तो बच गया है, तो वो मेरा डिनर हो जाएगा, सुमित के लिए कुछ अलग से बनाना पड़ेगा,
वो देखते हैं आगे क्या बनाती हूँ। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सब्जी मैंने क्या क्या लेके आई हूँ इस वाले ब्लॉग में उतना नहीं दिखाऊंगी, ब्लॉग लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं दिखाऊंगी आपको कल। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।